अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्या पता दन्ना। आज की जो रेसिपी है ये भी बहुत ही मुश्किल तरीन रेसिपी है, ये भी आप लोगों की समझ से बाहर है। अगर गलती से समझ आ जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को भी समझ आ गई है। तो मैं चाहिए किंदे से त्रै पटैटो तय और चाहिए किंदे से नाल थोड़ा एक अनियन छोटा जहा चाहिए किनो, बड़ा चाहिए किनो, जितना उसका बढ़ा उतना चाहिए किनो। यानी कि मैंने लिए हैं दी तीन पटैटो पे से पहले चाटा नहीं पे से। तो मैं सोचिया कि ना मैं इसकी ख़राब जी हुई है सन, तो मैं सोचिया कि ना मैं इसनी जरा ना एक डिश तैयार करेगी ना। तो वो फिर मैंने ले लिए थे तीन आलू, उसमें मैंने डाल दी है प्याज, हरी मिर्च, नमक और उसमें सुरख मिर्च, धनिया, हल्दी, यानी कि जो आपको मसाले दिल करते हैं वो आप इसमें तुन तन सकते हैं। और उसके बाद मैंने ले ली हैं ब्रेड और मैंने इनको बना ली हैं छोटी छोटी गेंतियाँ। ऐ छोटी छोटी निकी निकी गेंतियाँ होनी ना वो मैं बनाई कि नहीं है तो फिर खेड़ सा मैं इस नाल। तो अब मैंने क्या करने लगी हूँ जी, मैंने ब्रेड कुक कर लिया है, थोड़ा सा भिगो लिया है और उसका पानी मैंने निकाल दिया। उसके अंदर मैंने ये गेंतियाँ सी डाल दी, यानी जो कि मैंने गोल गोल इनको जो है ना राउंड राउंड से शेप दे दिया। और इसके अंदर मैंने चीज़ भी डाली है और अब मैं करती हूँ इसको फ्राई। फ्राई करने के बाद देखें इसकी क्या शक्ल निकलती है, सोनी निकलती है नहीं निकलती, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी या मेरी बकबक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना कंजूस लोग को। चलो तो मैं कहनी हूँ तुसों को इजाजत है, तुसों ये तको माड़े राउंड राउंड जो टेनिस बॉल है तुसों तको, इस तरह खेड़ो भी कुसा ने मुँह पर भी मारो, भावें खाओ पियो ऐश करो। तो मैं कहनी इजाजत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, दुआ ने बहुत सारा याद रखी, अल्लाह हाफिज़।